हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनाइट डेरिवेटिव। कोई भी फाइनाइट डेरिवेटिव है उसके एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो उसको हम एक थ्योरम से की हेल्प से पढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, सी कोई पॉइंट है जहाँ पे, देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट सी बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी जो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई हमारे पास, जो कंटिन्यूटी है फंक्शन की वो नेसेसरी कंडीशन है। यानी कोई फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हम उसकी डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा चेक कर सकते हैं। यानी कॉन्टिन्यूटी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन को डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही नहीं मिलता है, अगर हम किसी फंक्शन को देखते हैं और वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा उस पॉइंट पे। तो इस थ्योरम को प्रूफ देखते हैं। लेट अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, यानी कि एक फंक्शन लिया है एफ एक्स जो कि एक ए बी इंटरवल में डिफाइन है, एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। अब हमने सपोज किया है कि ये जो फंक्शन है एफ, ये एक पॉइंट सी पे जो कि ए बी पे में एग्जिस्ट कर रहा है उस पर डिफरेंशिएबल है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो अब हम शो करेंगे कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस भी होगा। यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होना नेसेसरी है उसका, तो अब हम ये शो करेंगे। देन एफ डैस सी, एफ डैस सी यानी कि डिफरेंशिएबल को पहले भी पुरानी वीडियो में हमने लिखा था, और इस किस तरह शो करते हैं, एफ डैस सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज अ फाइनाइट वैल्यू। चूँकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफ डैस सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी जो होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। नाउ एफ एक्स माइनस एफ सी, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी नीचे हमने डिवाइड किया एक्स माइनस सी से, साथ ही मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस सी से, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि एक्स नॉट एक्स इक्वल टू अगर सी होगा तो ये इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाई लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिमिट जो है एफ, यहाँ पे एफ सी के टेंस नियर बाई पहुँचेगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है। हमने लिया एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो एक्सटेंस टू सी पे ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी जिसको हमने एफ डैश सी से शो किया है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, सॉरी लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर एफ डैश सी इंटू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास जीरो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी जो कि एफ एक्स के बराबर, यानी कि जो सी पॉइंट पे हमारे पास एफ एक्स जो है वो एफ सी के बराबर है एट सी पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे शो हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक्स टेंड्स टू सी कर रहा था, तो सी की तरफ टेंड्स करने पे वो वैल्यू एफ सी पर ही आ जाती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इसको कॉन्टिन्यू शो कर दिया। अब हम शो करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और वो अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अब हम ये शो करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। कन्वर्स क्या है हमारे पास, थ्योरम का जो कन्वर्स था वो है कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी जो थ्योरम थी हमारे पास इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन द कॉन्टिन्यूस एट सी, यानी कि अगर कोई फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है सी पर तो कॉन्टिन्यूस होगा। और इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पर तो वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम ये शो करेंगे ये ट्रू नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सी पर तो उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। अब फ्रेंड्स, हम शो करेंगे कि जो थ्योरम थी उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। थ्योरम क्या थी हमारे पास, थ्योरम थी हमारे पास इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन इट इज कॉन्टिन्यूस एट सी, यानी एफ जो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। अब हम शो करेंगे कि अगर वो कॉन्टिन्यूस है एक एक्स बराबर सी पे फंक्शन तो वो डिफरेंशिएबल होना इसका जरूरी नहीं है। तो इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से शो करेंगे, प्रूफ बाय एन एग्जांपल। लेट एफ एक्स बराबर मोड एक्स, नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर सी। पहले हम शो करेंगे कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर मोड एक्स ये कॉन्टिन्यूस है,
उसके बाद हम शो करेंगे कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स जो है वो डिफ्रेंशिएबल नहीं है। तो एफ एक्स बराबर एक्स एंड माइनस एक्स, इसको इस तरह शो कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए, हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स लेस देन जीरो है हमारे पास तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव और माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। अब इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो बिकॉज, क्यों क्यों ये हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है, तो फ्रेंड्स एफ जीरो बराबर जीरो पे हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है सिंपली जीरो, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो पे जीरो है तो यहाँ एफ जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट एफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट एक्स चेंज टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट एक्स चेंज टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जहाँ पे एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो नंबर है, कुछ जीरो से कुछ बड़ा नंबर है, छोटा ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होता फ्रेंड्स। ये एच जो होता है एच टेंस टू जीरो, यानी कि ये 0.00000 के नियर अबाउट होता है बिल्कुल, तो अब ये एच नंबर जो है वो जीरो के आसपास पहुँच जीरो की तरफ टेंस करेगा तो फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास जीरो प्लस एच, यानी कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाएगा जीरो प्लस एच, तो इसको सिंपली हम इससे डिफाइन कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास एच और ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो क्योंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो पे जीरो आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो एफ जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यहाँ पे एच क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अब जीरो माइनस एच फ्रेंड्स एक नेगेटिव नंबर हो गया हमारे पास, जीरो माइनस एच क्या हो गया एक नेगेटिव नंबर, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए हमने क्या किया था सिंपली माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो फिर से माइनस एच जो है पूरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है बट माइनस एच नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सिंपली इसको पहले हम ये लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच और ये टेंस इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं एफ जीरो एंड एफ जीरो प्लस जीरो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दोनों हमारे पास जीरो हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। नाउ वी चेक डिफ्रेंसिबिलिटी एट एक्स बराबर जीरो, अब हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो एक्स बराबर जीरो पर डिफ्रेंसिबल है या नहीं। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस जीरो, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, तो एच जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो नंबर है कोई, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, क्योंकि एफ जीरो प्लस एच क्या है हमारे पास सिंपली हमने डिफाइन किया था अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम सिंपली वही नंबर लिख देते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो यही नंबर लिख देंगे, तो एच माइनस जीरो अपॉन एच, ये तो जीरो तो हट जाएगा एच से एच कटेगा तो वन, तो ये लिमिट इसको हम पहले यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बराबर वन। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो और माइनस एच, क्योंकि एक्स की जगह सिंपली यहाँ पे हम जीरो माइनस एच पुट करते हैं तो यहाँ हो गया हमारे पास माइनस एच आ गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब फ्रेंड्स ये जो नंबर है हमारे पास ये हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, नेगेटिव नंबर को हम इस तरह से डिफाइन करना होता है हमें कि माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है उस नेगेटिव नंबर से, तो हमने यहीं पर ये किया एंड माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस एच से, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास नीचे हमारे पास माइनस एच है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन लिख सकते हैं इसको, तो ये माइनस वन आ गया। अब फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो था हमारे पास वन था, तो यहाँ से हम कहेंगे दोनों डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है डेरिवेटिव तो इसका मतलब जो एफ है वो डिफ्रेंसिबल नहीं है एट एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर डिफ्रेंसिबिलिटी, यानी कॉन्टीन्यूअस होना कोई फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है उसे डिफ्रेंसिबल होने के लिए, लेकिन अगर कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफिशियंट है कि हम कह सकते हैं कि कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली हम नहीं कह सकते डिफ्रेंसिबल है, बट अगर कोई डिफ्रेंसिबल फंक्शन में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स।